हेलो भैया, आकाश पंचाल की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। अभी आज हम करने वाले हैं अपनी चैनल की दूसरी टग ऑफ वॉर, और दूसरी वाली भाई सबसे मेन होने वाली है, क्योंकि इस वाली टग ऑफ वॉर में आएगी भाई दो तगड़े तगड़े महारथी, और एक तो भाई सामने ही है बिल्कुल। और जिनको अंदाजा हो गया होगा भाई ये गाड़ी किस भाई की है, ये है जो ड्रैग रेस हमने कवर करी थी एम स्टैलियन और एम हॉक के बीच में। तो ये वाले जो भाई हैं ये है दुष्यंत भाई, इनकी गाड़ी आप पहचान गए होगे देख के। और ये भाई आते ही अपनी कलाकारी चालू। भाई ये आ गई अपनी एम हॉक, पता नहीं यहाँ से आपको दिख रहा है ना, एम हॉक डीजल इंजन। तो अरे सर जी क्या हाल चाल, दुष्यंत भाई हैं, आप इनको जानते हो, ड्रैग रेस में ये भाई थे, ये बहुत शर्मीले हैं। और भाई तो बॉडी वोडी से बनाया जा रहा था, और अरे बस यार देख पेट निकल गया। तो भाई इन जो दूसरी गाड़ी अपनी आई है वो है एम स्टैलियन, और वही सेम ड्रैग रेस वाले ही भाई हैं अपने दोनों, एक दीशु भाई और एक अपने यश भाई। तो यश भाई जो आज सच धज के आए हैं बिल्कुल पूरे पूरे जोश में है भाई। तो भाई ये अपने भाई ने जो लगवाई है एक्सक्लूसिव वीडियो, क्या लगता है भाई आपको, क्या कमेंट सेक्शन में भाई बताते रहना, क्या लगता है आपको कौन सी गाड़ी किसको पछाड़ देगी। हाँ साइड हो, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, कुछ आना लंबी है। यूं थोड़ी जा रही है, अरे यूं थोड़ी जा रही है भाई। क्या लग रहा है वैसे? डीजल कर सकती है इसमें। इसके हैं भाई स्टॉक टायर अगर आपको वैसे जनरली बताऊं, और इसने भाई ने जो है, अगर आपने ड्रैग रेस नहीं देखी हो, पहले वीडियोस नहीं देखी हो, तो भाई ने अपने जो है इसमें टायर 80 टायर लगवा रखे हैं, वो ऑल ट्रेन है, लेकिन भाई वो थोड़े पतले स्ट्रट वाले हैं, ये हैं हैवी स्ट्रट वाले। और अगर बताऊं तो वेट अपना सेम ही है दोनों का, 4x4 दोनों ही है, जहां पे आप देख सकते हो दोनों गाड़ियों में तो टॉर्क कन्वर्टर गियरबॉक्स आता है। अभी जो है भाई ये मिट्टी वाला एरिया है, अभी यहाँ पे करवाएंगे इसके दो राउंड, सिर्फ दो राउंड में भाई पता लग जाएगा कि क्या है क्या नहीं है, हो सकता है टायर बैठ भी जाए। अच्छा पहले 4x2 में करोगे? कल पहले रियर व्हील ड्राइव का कर लो। है आपकी डीजल वाली है ना? पेट्रोल है। अच्छा ये पेट्रोल है? ये पेट्रोल है भाई, ये अपना डीजल है। और पावर फिगर मैं बताऊं तो ये अपना 2200 सीसी का आता है डीजल इंजन इसका, ये आता है 2000 क्यूबिक सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट। इसकी पावर फिगर बताऊं तो 130 bhp और 300 Nm का टॉर्क आता है। यहाँ पे आपको बताऊं तो 150 bhp की पावर आती है। बस ठीक है। अब यहाँ से 1, 2, 3 तो ये अपना 150 bhp की पावर आती है, 320 Nm का टॉर्क आता है, यानी कि टॉर्क और उसमें दोनों मामले में आ गया है गाड़ी अपनी। अब भाई ये होने वाला पहला राउंड, 4x2 में ही चल रही है, ट्रैक्शन ऑफ कर लेना भाई अपने। ठीक है भाई, ये अपना पहला राउंड होने वाला चालू, और भीड़ भाड़ जो है अच्छी खासी इकट्ठी हो रही है भाई इधर, तो बहुत कांटे की टक्कर होने वाली है यहाँ पे, मेरे को पता है भाई, कोई गाड़ी इक्की दुक्की हिलेगी भी। तो पहला राउंड है भाई ये, 3, 2, 1 बैठ गए ना, बस बैठ गए भाई, टायर बैठ गए, लग ही रहा था यही दिक्कत होगी। बस हल्का सा घास पे ले लो, बैक ले लो बस। पहले राउंड का हाल भाई देख सकता है, मिट्टी बैठ गई, टायर बैठ गए इनके बिल्कुल ही, अब इनको हल्का सा घास वाले हर एरिया में लेके जाते हैं। तो पहले राउंड में भाई कोई भी विनर नहीं आया, बल्कि यही तो ड्रॉ हुआ है पहला वाला राउंड अपना। दूसरा राउंड करने वाले हैं, 4x2 ऑफ रख रहा है, ऑन रख रहा है, 4x4 ऑन कर रहे हैं, हाँ ट्रैक्शन ऑन है। दूसरा राउंड 4x4 में होने वाला भाई इनका, 3, 2, 1 ओ भाई रुक जा, क्या होगा? अरे करी नहीं थी उसने पहले, गिर दी एक, आवाज आ रही है ना तेरे को? तीन की हिंदी पर रैफ करते खींच देना स्टार्ट एकदम। तो भाई ये दूसरा राउंड दोबारा होने वाला चालू, भाई का स्टार्ट नहीं आया था। ठीक है भाई, ये दूसरा राउंड होने वाला चालू, डीजल वर्सेस पेट्रोल। पहला दूसरा राउंड में कोई भी रिजल्ट नहीं निकला, पहला राउंड में कोई रिजल्ट निकला था। एक की गिनती भाई, 3, 2, 1 ये भाई खेसना हो गया स्टार्ट, और भाई पेट्रोल खेच के तो लेगी थी पेट्रोल भाई हैं,
तो भाई जो तीसरा राउंड दूसरा हमने करवाया इसका 4x4 ऑन करके करवाया था, पेट्रोल जो है इसको खींच के ले गई है डीजल को, मट्टी में इतना पता नहीं लग रहा भाई, टायर बैठ रहे हैं इनके और टायर भी इनके ऑफ रोड रहे हैं। अरे वो कोई नहीं, वो इतना रिजल्ट नहीं पता लग रहा कुछ भी। फर्स्ट पे पक्के वो रोड पे लेके एक बार इनको ट्रैक करते हैं ताकि इनको ट्रैक्शन मतलब रपटे ना टायर, तो उनको पक्के वाले रोड पे ले जाते हैं थोड़े से खुरदुरे पे। अब जो है इसको लेके आ गया अपना पक्के फर्श पे और इसका जो है तीसरा राउंड, कहने का मतलब तीसरा राउंड है लेकिन पक्के फर्श पे अपना पहला राउंड है। यहाँ तो जो है भाई रिजल्ट अपना मिल ही जाएगा कौन है कौन नहीं है यहाँ पे, बाकी सेम ड्राइवर रहेंगे अपने, पेट्रोल वाले पेट्रोल चलाएंगे, डीजल वाले भाई अपने डीजल ही चलाएंगे। तो ट्रैक्शन ऑफ भाई जो हम करवा रहे थे वो ड्रैग रेस में जरूरत पड़ती है कराने की, यहाँ पे हम अपना ट्रैक्शन ऑन ही रखवाएंगे, ट्रैक्शन बनेगी तो भाई ग्रिप अपने आप बनेगी गाड़ी की। तो पेट्रोल वर्सेस डीजल, बस ठीक है ठीक है ठीक है बाबा, ठीक है भाई पक्के फर्श पे पहला राउंड होने वाला चालू, ट्रैक्शन ऑन 4x2 पेट्रोल वर्सेस डीजल, एक की गिनती पे भाई 2 1। ओ भाई रो 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 रो, तो भाई भाई ने जो न्यूट्रल में छोड़ दी थी अपनी गाड़ी, ठीक है भाई 3 2 1। ओ भाई देखो तो भाई बाबू पेट्रोल भाई पेट्रोल को ले गई डीजल उठा के, ओ भाई डीजू डीजल खींच के लेगी भाई, ओ ये देखो भाई डीजू कैसी लग रही है खुशी, ओ बहुत ही बढ़िया भाई बहुत ही तगड़ा बहुत हार्ड है, मेरे को तो पता भी नहीं लगा चली हुई है गाड़ी, मेरे को लगा जरा सी एक आध दिन से यार। अब 4x4 कर लो, पहला राउंड यहाँ पे जो है डीजल पेट्रोल को खींच के ले गई है भाई, चलो भाई 4x4 ही है ये 3 2 1। ओ भाई 4x2 भाई दूसरा राउंड पेट्रोल आगे लगी 4x4 में, क्या लग रहा है भाई टायरों का फर्क पड़ेगा ना, टायरों का फर्क पड़ेगा अब मैं 4x4 में भाई थार्स को आगे ले गया, ना ना खोलो मत, हाँ कर रहे हैं अभी 2 राउंड और करने, क्या हुआ ट्रैक्शन ऑफ करके तगड़े घूमेंगे टायर इस बार, फिर एक ट्रैक्शन ऑफ करके 4x4 में ट्रैक्शन ऑफ है, 4x4 एंड ट्रैक्शन ऑफ यानी कि चारों टायरों में जान लेकिन ग्रिप जो है सबकी बंद है, अब पता लग जाएगा कि टायर 4x4 का डिफरेंस आएगा या फिर ट्रैक्शन ऑफ करवा दिया हमने। तो ये भाई चौथा पांचवा पता नहीं कौन सा राउंड चल रहा है, हल्का सा गैप बना लो दिशु आगे ले ले हल्की सी, बस 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 रुक जा रुक जा ले 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 3 2 1। तीसरा राउंड हो गया चालू, और वरन भाई पेट्रोल लेगी, बस 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 भाई एक चीज है भाई बहुत कांटे की टक्कर है भाई, बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है मेरी नजर में, तो भाई कभी वो आगे ले जा रही है कभी वो आगे ले जा रही है, कभी उसकी ट्रैक्शन ऑफ पे ये आगे खींच रहे कभी वो आगे खींच रहे, 4x4 में वो आगे जा रही है ये पीछे रख दिए, अब क्या है ट्रैक्शन ऑन है 4x4 है, ठीक है भाई चैन तो मजबूत है एक तो बात माननी पड़ेगी भाई, ठीक है भाई ये लास्ट है भाई है 3 2 1। ओ भाई पेट्रोल लगा दिया चैन ले गई भाई ले गई एक गाड़ी पीछे कर लो कोई भी भाई, जबरदस्त भाई जबरदस्त। तो भाई फाइनल अगर रिजल्ट मेरे से पूछा जाए वैसे तो भाई दोनों गाड़ियों ने बराबर की जान लगाई है, पेट्रोल का 2200 डीजल 2200 पेट्रोल 2000, पावर ज्यादा दोनों में टॉर्क ज्यादा पेट्रोल में, लेकिन भाई फिर भी डीजल वाली गाड़ी ने बहुत कांटे की टक्कर रही भाई इस रेस की, हम ये सोच के ही आए थे भाई कोई रिजल्ट इसका शायद ना निकले क्योंकि बहुत मिनिमम डिफरेंस है गाड़ियों के बीच में, लेकिन ट्रैक्शन ऑफ 4x4 ऑन ट्रैक्शन ऑफ 4x4 ऑन करने के बाद भाई एक चीज ये जो वर्डिक्ट निकला है पहले लोगों से पूछ लेते भाई आपके अकॉर्डिंग कौन लगता है भाई विनर, डीजल विनर है पेट्रोल नहीं है, तो ऐसा भी नहीं कि भाई हमने दोनों में कुछ अलग अलग करवाया, दोनों ही सेम कंडीशन में थी, वही ट्रैक्शन ऑफ था उसका भी उसका, हाँ इंजन तो वो था लेकिन जो कंडीशंस थी जैसे 4x4 इसका भी ऑन था इसका भी ऑन था, ट्रैक्शन ऑफ इसका भी था इसका भी था। तो अब पूछते हैं भाइयों के अकॉर्डिंग भाई क्या लगता है, बढ़िया ही था सब बढ़िया है, बढ़िया है भाई सब बढ़िया है, अपने घर की गाड़ी जीती है,
बड़े में पेट्रोल जीत दी। हाँ, कच्चे फरस में जब हम लेकर गए भाई यहाँ पे जो है दोनों गाड़ियां बैठ गई, एक गाड़ी हल्के ना दे बिल्कुल भी। यहाँ पे तब पक्के फरस ला के थोड़ा सा रिजल्ट निकले तो यहाँ पे जो है पता चला है कि भाई पेट्रोल से डीजल हल्की सी 21-20 आ गया, वहीं पावर में बहुत डिफरेंस आता है, लेकिन भाई डीजल यानी कि डीजल इनफैक्ट टर्बो, तो भाई डीजल जो है हल्की सी 19-20 भाई 19-20 कहना चाहूंगा 19-20 आ गए है। तो भाई थैंक यू सो मच यश भाई, दीशु भाई हमारी वीडियो में आने के लिए। भाई ऐसे ही हमारे चैनल की गरिमा बढ़ाते रहे आप। तो भाई एक चीज देखना है कि कोई नुकसान वगैरह तो नहीं हुआ इसमें, गंदी सी महक होगी यहाँ तक टायरों की। ये देखो भाई वार्ताल का हाल देखिए। ये देखो भाई ये कल के टायरों का आपको दिखाऊं हाल, तो टायर देखो अपने ये अपना टायरों का हाल हुआ है अभी। लेकिन भाई इतना तो अब यार ये काम इनके साथ नहीं होंगे तो और किसके साथ होंगे, दिक्कत नहीं है चैन की तो आ जाए, कोई दिक्कत नहीं इनमें नहीं आनी चाहिए। तो वो क्यों ये हार्ड होते हैं यार, बहुत हार्ड मटेरियल के होते हैं। हाँ सीधा तो भाई वीडियो को लाइक जरूर दें भाई, वीडियो बहुत मेहनत करते हैं भाई, बहुत नुकसान करवाते हैं अपना, तो भाई मैं चाहता हूँ वीडियो को लाइक जरूर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।